कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर श्री विष्णुमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। यहाँ पर कहते बदंती तत्त्वविदस्तत्त्वं जज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी बताया बदंती तत्त्वविदस्तत्त्वं कहते जो तत्वविद लोग है वो जो अद्वय ज्ञान पर तत्व को हैं कहते उनकी तीन रूप है, एक ब्रह्म रूप है, एक परमात्मा रूप और एक भगवान है। तो एक ही ब्रह्म उनके तीन प्रकाश तीन उनकी अभिव्यक्ति है। कहते ये ब्रह्म कौन परमात्मा कौन फिर भगवान कौन है। इसलिए उपनिषद में बताए और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जद अद्वैत ब्रह्म परिषदि तत्पश्य तनुभा। जिसको ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं वो क्या है बोले भगवान के शरीर की प्रकाश। भगवान इतने प्रकाश भगवान इतने प्रकाश युक्त है कहते भगवान के शरीर की जो छटाएं भगवान के चरण की नख की जो छटा है तो यही ब्रह्म है जिसको ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं। इसलिए जब अद्वैत ब्रह्म उपनिषद तत्पश्य तन्वा जो आत्म अंतर्ज्यामी पुरुष जिसको योगी लोग एक अंगुष्ट परिमाण परमात्मा रूप में उपासना करते हैं कहते ये भगवान की वैभव है। लेकिन जो कृष्ण है कहते श्री जो चैतन्य महापुरुष जो कृष्ण ज्ञान वैराग्य शैव शरणम भव इतिगना कहते जिनको अंदर में ये छह गुण परिपूर्ण मात्रा में हो समग्र ऐश्वर्य वीर्य ज्ञान वैराग्य है। इसलिए जिनको अंदर में ये छह गुण परिपूर्ण मात्रा में हो कहते ये भगवान श्री कृष्णचंद्र है। कहते भैया इसका कोई प्रमाण क्या है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा अहम। जिसको ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं वो ब्रह्म को प्रतिष्ठाता मैं हूँ, मैं हूँ ब्रह्म का प्रतिष्ठाता, मैं हूँ ब्रह्म का प्रतिष्ठाता। इसलिए श्री मन चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन शिक्षा में ये चीज को बहुत अच्छे तरह से बताते हैं। मतलब एक समय कोई एक बड़ा दुखी व्यक्ति था, दर दर भटक रहा था, पहनने के लिए कपड़ा ठीक से नहीं, खाने के लिए ठीक से नहीं खा पाता है, बड़े दुबला पतला बड़े दुखी होकर के दर दर भटक रहा था रास्ता में। कोई एक सर्वज्ञ, सर्वज्ञ मतलब है जो कि आपका मुंह को देख ले और सब बात बता दे, तुम्हारे घर कहाँ पर कहाँ रहते हो, तेरी पिता माता कैसे, तुम्हारे परिवार कैसे और तुम्हारे घर में कितने माल कहाँ पर रखा हुआ, कहते तुम्हारे मुंह को देखते ही वो सारे बात को वो बता दे। वो सर्वज्ञ, वो सर्वज्ञ देखा देख कर तो पहचान गया
अरे भैया ये बेटा तो साधारण घर का है ही नहीं, ये तो अरब गरीब घर पति घर है, लेकिन इसका घर में वो सारे माल घर में रखा हुआ, लेकिन इसको ये बात पता नहीं है। कितने सर्वज्ञ ने बुलाए, बोले भाई बेटा इधर आओ, बोले तू रास्ता में दर दर क्यों भटक रहे हो, बोले खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं, कुछ नहीं, हम तो बड़े दुखी है। तो उसने कहा देख तेरे जो पिता है ना मेरे दोस्त लगता है, उसने एक रहस्य बात मेरे को बता कर गया, तुम्हारे घर में चार दिशा है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, चार दिशा में तुम्हारे घर में जो पूर्व दिशा में है ना एक सोने की कलसियों में हीरे जवाहरात तेरे पिताजी गाड़ कर गए, देख बेटा सावधान, तो उत्तर दिशा का मिट्टी मत खोदना, अगर उधर का मिट्टी खोदोगे ना एक अजगर सांप निकलेगा, फिर जिंदा जिंदा तेरे को निकाल लेगा। देखो दक्षिण दिशा का मिट्टी मत खोदना, उधर एक जक्ष रहता है, अगर वो निकल गया ना भयभूत सीधा खा लेगा। पश्चिमी दिशा का मिट्टी भी मत खोदना, हाँ कहते बोले उधर रहते ततैया, ततैया जानते हैं ना वो कीड़े रहते हैं, अगर वो निकल गए ना तो तुम काट कर खा जाएंगे, लेकिन तुम केवल पूर्व दिशा का मिट्टी ज्यादा खोदने का जरूरत नहीं, थोड़ी सी मिट्टी हटाओगे ना फिर वो माल की झाड़ी निकलेगी, फिर तो तुम माला माला हो जाओगे। उसने सोचा भैया मेरे पिताजी इतने धन दौलत घर में रख कर गए और हम ऐसे दुखी दुखी होकर भटक रहे दर दर में। तो उसने आया और सचमुच से थोड़ी सी केवल मिट्टी हटाते ही वो रत्न की झाड़ निकली, और एक एक मोहर को जो बेचा ना अरब खरब रुपया हुआ, एकदम माला माल हो गया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को ये कथा के माध्यम से बहुत अच्छी बात बता रहे, बोले देखो उत्तर दिशा का मत खोदना, उत्तर दिशा किया बोले ज्ञान मार्ग, बोले खबरदार ज्ञान मार्ग में नहीं जाना, उधर जाओगे तो वो एक अजगर सर्प जैसे वो पूरा के पूरा तेरे को निकाल जाएगा। मतलब क्या है, कहते जो ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो ब्रह्मवादी होते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, कहते भैया तत्त्वमसि तुम तो वही हो, सर्वम खलु इदं ब्रह्मम है, इसे सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, तत्त्वमसि तुम वही हो, है सर्वम खलु इदं ब्रह्म। और वो लोग कहते हैं जो जीव है ये जीव कौन है, बोले जीव ही तो ब्रह्मा हो, जीव जत्र जीव सत्र शिव, जीव ही तो भगवान हो, पहले तो भगवान था लेकिन ये माया तेरे को पकड़ने का नाते अभी तुम जीव हो करके संसार में बिलबिला रहे हो, इसलिए अगर तुम हाँ अगर तुम भक्ति करोगे, अगर तुम वो ब्रह्म को अगर तुम उपासना करोगे, उपासना करोगे तो क्या होगा, पर धीरे 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 माया से जब तुम मुक्त हो जाओगे माया से, फिर तो तुम तो वही भगवान ही बन एक दिन बन जाओगे, एक दिन तो भगवान बन जाओगे, तुम ही भगवान हो इनका जो फिलोसफी है, इसलिए तो ब्रह्मा ज्योति था और लास्ट में जाकर तो वो ब्रह्मा ज्योति में ही लीन हो जाओगे, हाँ तो उनका ये फिलोसफी है इसलिए। लेकिन उसमें फिर बुरा क्या है, उसमें बुरा क्या है, बोले बुरा ये है जन्म तुम नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी, लेकिन तुम जाकर के जब ये ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाओगे, जब एक हो जाओगे जिसको साजु जो मुक्ति कहते हैं, लेकिन जो भगवान की भक्ति में जो आनंद है, जो भक्ति में जो रस है ना, ये रस से तुम वंचित हो जाओगे। जैसे एक व्यक्ति शराब पी करके ऐसे बेहोश होकर पड़ा हुआ, वो ठीक वैसे ही, इसलिए साजुज्य वो जो मतलब होता है मिल जाना, वो ब्रह्म में मिल जाओगे। तो जैसे उदाहरण दिया, जैसे कि चिट्टी गुड़ खाने के लिए गया, गुड़ पतला है, चिट्टी वो गुड़ को कब आस्वादन करेगा, अगर गुड़ से अलग हो तो, अगर गया अगर गुड़ खाने के लिए गुड़ में लपट गया खत्म हो गया, फिर गुड़ का आस्वादन क्या करेगा, हैं? अगर तुम कब ये रस का आस्वादन करोगे, जब भगवान से अलग रहोगे, जैसे हनुमत लाल जी राम के चरण की सेवा करते हैं, जैसे गोपियां कृष्ण की भक्ति करते हैं, जैसे तुलसीदास, जैसे मैया जसोदा, जैसे राधा रानी, कब ये कृष्ण प्रेम कब आस्वादन करते हैं,
जब उनसे अलग रहते हैं, अगर उनसे मिल गए फिर तो गया। उदाहरण दिया, जैसे तुम्हारे सर में कोई फोड़ा हो गया, फोड़ा हो गया, तुम किसी डॉक्टर के पास में गए, फिर डॉक्टर साहब फोड़ा बड़ा दर्द होता है, डॉक्टर ने कहा भैया न रहेगा बांस न मुजरी बसुरी, तेरे सर है तभी तो फोड़ा हो गया, तभी तो दुख कष्ट पा रहे हो, सर ही काट दो, तेरे सर ही काट दो, खत्म हो गया, दर्द ही नहीं रहेगा। लेकिन एक डॉक्टर के पास में गए तो बोले भैया कोई चिंता मत करो, फोड़ा है ना, हम ऑपरेशन करके बैंडेज कर देते, दबा देते, एक दो दिन में सही हो जाओ। बताओ कौन सा डॉक्टर बढ़िया? जो कहते गला को काट दो वो अच्छा ना, जो कहता है ऑपरेशन करके दवा फवा दे दूंगा सही हो जाओगे, अच्छे कौन सा अच्छा है? हाँ, इसलिए उसी तरह इनका जो फिलोसफी है, भैया जब तक ये दुनिया में रहोगे तब तक वो दुख कष्ट करोगे, इसलिए क्या करो वो ब्रह्म में जाकर लीन हो जाओ। मतलब ब्रह्म साजुजे मतलब एक तरह का सुइसाइड है, एक तरह का सुइसाइड है, मर जाओ पूरा ब्रह्म में नहीं। लेकिन जो कहता है भैया सर में फोड़ा है ऑपरेशन कर दो, बैंडेज कर देता हूँ, दबा लो सही हो जाओगे, ये कौन है? बोले जगत में क्यों आए? कारण है क्या? बोले कारण है हम सब के सब जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम सब के सब भगवान की संतान है, उनकी बच्चे हैं। लेकिन उनको भूलने का नाते, बोले कृष्ण बोले सही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे देय संसार दे दुख। क्यों संसार में दुख कष्ट भोग कर रहे हैं? हम किसका पुत्र है? बोले अमृतस्य पुत्र, तुम साधारण घर के बच्चे नहीं, तेरे पिता भगवान स्वयं कृष्ण चंद्र विश्व ब्रह्मांड के जो मालिक, उनका तुम संतान हो। लेकिन तुम उनको भूलने का वजह से ही संसार में आकर के तुम दुख कष्ट उठा रहे हो। फिर जब उनके चरण में शरणागत हो जाओगे, भक्ति करोगे, फिर भगवान अपना गोद में भर लेंगे, फिर तो सारे संपत्ति का मालिक तुम ही बन जाओगे, हैं? बन जाओगे। इसलिए क्या करो, भगवान की भक्ति करो, भक्ति करते करते उनके चरणों को प्राप्त कर लो, हैं? लेकिन यहाँ पर बताए, अगर तुम वो ब्रह्म साजुज्य में जाओगे, अगर तुम जाओगे दक्षिण उत्तर दिशा में जाओगे, मतलब ज्ञान मार्ग में जाओगे, तो फिर क्या होगा? वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाओगे, लीन होकर के फिर तुमको भक्ति रस से तुम वंचित हो जाओगे, तुम वंचित उससे हो जाओगे। इसलिए भक्त लोग भगवान कहते हैं दीयमान अपि न गृह्णति मत सेवक मत सेवनो बिना। अगर मैं अपना भक्तों को ये मुक्ति देना चाहता हूँ तो भक्त कहते हमें मुक्ति नहीं चाहिए। इसलिए ननाक प्रेष्टम न चपार मिष्टम न सार्वभौम न रसाधिपतम। बोले प्रभु हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें पृथ्वी का राज्य तो नहीं चाहिए, रसातल नहीं चाहिए, हमें मोक्ष भी हमें नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए आपके चरण की भक्ति, चरण की हमें प्रेम ही चाहिए। इसलिए भक्त लोग इसलिए कहते हैं नरक बांछा है तब वो साजू जो ना चाहे। भक्त लोग कहते भैया हमें नरक चले जाएंगे अच्छी बात है, लेकिन हमें ये साजू जो मुक्ति हमें नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले नरक में जाओगे जब तुम्हारी पाप खत्म हो जाएगा फिर मानव शरीर मिलेगा, फिर भक्तों का संग मिलेगा तो फिर भक्ति मिलेगी। लेकिन एक बार अगर तुमको ये मुक्ति मार्ग में चली गई, फिर एक बार मुक्ति तुमको हो गई, ब्रह्म में लीन हो जाए, जिंदगी भर के लिए तुमने पास भक्ति रस से वंचित हो। लेकिन कृष्ण भक्ति में जो आनंद जो रस है, कहते हैं कृष्ण प्रेमानंदे जे आनंद सिंधु कोटि ब्रह्मानंद नय तारे के बिंदु। कहते कृष्ण प्रेम आनंद में जो आनंद रस है, बोले करोड़ ब्रह्मानंद मिलकर के भी उसका एक बूंद के बराबर नहीं हो सकते। कृष्ण भक्ति रस में इतने आनंद है, इतने रस है कृष्ण भक्ति रस में। इसलिए यहाँ पर कहते भैया उत्तर दिशा में मत जाना, अगर उधर जाओगे ना अजगर सर्प है निगल जाएगा तेरे को, पूरा के पूरा खा जाएगा तुमको, इसलिए मुक्ति मार्ग में मत चलना। दूसरी मार्ग है, हैं? बोले भैया जोग मार्ग में मत चलो, जिधर जक्ष रहता है वो जक्ष क्या करेगा, वो भी तुम्हें खा जाएगा। ये जोग मार्ग भी ठीक वैसे ही ये जोग मार्ग वो भी एक तरह का मुक्ति मार्ग है। बोले पश्चिम दिशा में मत जाओ, बोले क्या क्या है? बोले उसे ततेया, बोले ये ततेया क्या है? बोले कर्म मार्ग,
कर्म मार्ग में फंसो मत। कोई कहते ना कर्म करो कर्म करो कर्म करो, लेकिन कर्म भी बहुत तरह का, अकर्म भी कर्म, सकर्म, तरह तरह कर्म होता है, है? इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं यज्ञार्थात कर्म अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरित। अगर कर्म, अगर प्रभु को कर्म, प्रभु की सेवा रूपी कर्म छोड़ करके अगर ये दुनिया की कोई भी कर्म करो उसका फल बंधन है। जैसे हम संसार में क्यों भटक रहे हैं, इसी जीवन में जो कर्म किया कर्मों को लेकर दूसरे जीवन में जाएंगे, फिर दूसरे जीवन में जो कर्म किया तीसरे जीवन में जाएंगे, तीसरे जीवन में जो कर्म किया चौथे जीवन में जाएंगे। ये अनादिकाल से हम ये कर्म चक्र में भटक रहे हैं। जैसे कर्म संसार में आओगे, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई मन से दुखी, दुखी 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 दुखी। संसार में आओगे तो दुख तुमको भोगना ही है। आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक जन्म मृत्यु जरा व्याधि संसार में आओगे तो भगवान खुद कहते हैं दुख का घर है, दुखा लयम असास। ये कर्म का चक्र है, क्योंकि हम कहते हैं कर्म कर कर्म कर कर्म कर, ये कर्म बड़ा गड़बड़ी रास्ता है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते कर्मणाम गहिना गति, जो कर्म का मार्ग बड़ी गहिना गति है। नृग महाराज ने इतने दान पुण्य किया, भूल से एक गैया दान दे करके गैया को दूसरे को दान दे दिया तो अभिशाप दे करके गिरगिट बन गए। तो गिरगिट बन गए, जितने लाख साल तक गिरगिट बने। उधार कैसे हुआ, उन्होंने कैसे एक साधु की सेवा कैसे कर दिया था, घर में कोई साधु आए थे, उनको बैठाया, उनको भोजन करवाया और एक उनको श्रीमद् भागवत ग्रंथ दान दिया था। एक भागवत ग्रंथ दान, एक वैष्णव सेवा किया तो उसको कृष्ण दर्शन मिला, कृष्ण का चरण स्पर्श मिली और उसको संसार से उद्धार हो गया। लेकिन उसने जो इतने दान किया कर्मी ब्राह्मण को, लास्ट में उसको गिरगिट अभिशाप दिए, वो गिरगिट बन गया। इसलिए हम इस संसार चक्र में भटक रहे हैं ये कर्म की वजह से। इसलिए कहते कर्म का रास्ता में मत जाओ, ततिया जैसे काटते रहते ना ऐसे ही काटते रहेंगे, दुखी दुखी होते रहोगे। बोले भैया जाना किधर, बोले पूर्व दिशा में। बोले ये पूर्व दिशा किया, बोले भक्ति, पूर्व दिशा भक्ति। इसलिए बोले ज्यादा खोदने का जरूरत नहीं, थोड़ी सी मिट्टी को खोदोगे फिर तो वहां से झाड़ी निकलेगा, रत्न की झाड़ी निकलेगा वहां से। इसलिए कहते पूर्व दिशा किया, बोले भक्ति मार्ग। कहते अगर भक्ति मार्ग में जाओगे ना तुमको ज्यादा खोदने का जरूरत नहीं, केवल थोड़ी सी मिट्टी हटाओगे फिर वो झाड़ी निकलेगा। बोले उसका मतलब क्या है, बोले इसका मतलब है जो भक्ति मार्ग है वो सरल मार्ग, भक्ति मार्ग सरल मार्ग। कहते ना हम हर समय पार्टी में जाना चाहते हैं, बोले क्यों, बोले पार्टी में तीन काम होता है, डांसिंग हिटिंग और डांसिंग हिटिंग और सिंगिंग और चैंटिंग। इसलिए कहते ये पार्टी में तीन काम होता है। कहते भैया बीच बीच में क्यों पार्टी में जाते हो, रोज रोज पार्टी बना, अभी हम पार्टी बना रहे थे ना 7 दिन तक, हाँ रोज रोज घर में जा रहे थे और बढ़िया बढ़िया प्रसाद मिल रहा था ना, बढ़िया बढ़िया प्रसाद, दही रसगुल्ला संदेश और क्या क्या पता नहीं, जलेबी, जलेबी और रोज रोज 8-10 तरह का सब्जी बनाते थे। इसलिए ईटिंग खाओगे ना भगवान के लिए बढ़िया बढ़िया राज, कल क्या लाए राज बच्चोड़ी, इसलिए बर्फी। इसलिए क्या करो, ईटिंग खाना है ना भगवान के लिए, बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाओ और बढ़िया खाओ। डांसिंग नाचोगे, अभी नाच रहे थे सबके सब भगवान का कीर्तन में, सिंगिंग गाओ ठाकुर का कीर्तन गाओ, हैं। इसलिए रोज रोज, इसलिए थोड़ी सी मिट्टी हटाओ, मतलब है जो भक्ति का मार्ग है वो बहुत सरल मार्ग है और वो साधन सुलभ है और उसमें आनंद है। लेकिन ये ज्ञान जोर और कर्म मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है, उसमें साधन भी परिश्रम और उसका जो प्राप्ति भी तुच्छ वस्तु है, मिलेगा तुच्छ। परिश्रम करोगे पूरा पहाड़ खोद लिया,
लास्ट में देखा कि चूहा नहीं, ये दूसरे दूसरे मार्ग ऐसे ही मार गए, लेकिन जो भक्ति मार्ग हैं उसमें क्या है, परिश्रम कम है और ज्यादा उसमें फल ज्यादा है, और उसमें परिश्रम कम परिश्रम, और भक्ति की जो साधन में आनंद है, भक्ति की साधन में आनंद है, कथा सुन रहे हो आनंद, प्रसाद खा रहे हो आनंद, नाच रहे हो आनंद, गा रहे हो आनंद, कहते इसमें साधन में भी आनंद और उनको साध्य में भी आनंद, दोनों में इसमें आनंद ही आनंद है, लेकिन जो ज्ञान कर्म योग मार्ग में साधन भी बहुत कठिन और प्राप्ति भी बहुत तुच्छ चीज है, इसलिए हमें और किस मार्ग में नहीं जानी चाहिए, किस कौन सा मार्ग में जानी चाहिए, हमें ठाकुर की भक्ति मार्ग में हमें जानी चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भक्ति भी ही ऋजु मार्ग, भी भक्ति मार्ग अत्यंत सरल मार्ग है, सिंपल, भगवान कहते हैं सरल हृदय से मेरे को पुकारो, सरल हृदय से मेरे नाम को तुम लिया करो, इसलिए भक्ति मार्ग सरल मार्ग है। इसलिए यहाँ पर बताए कृष्ण कौन है, कृष्ण ये अखिल रसामृत मूर्ति, इसलिए सारे रस का द्वादश रस का जो मूर्तिमान स्वरूप कृष्ण, इसलिए कृष्ण जब कंस के रंगशाला में प्रवेश किया, कल मल्हा नाम असन्य निर्णाम स्त्री नाम स्मर मूर्तिमान, कहते जिसकी भावना रही जैसी हरि मूर्त देखितिनी, जैसी जिसकी अंदर में जैसे भावना थी प्रभु को उसी अनुरूप दर्शन कर रहे थे, स्त्रियां देख रही थी साक्षात कामदेव, कितने योद्धा देख रहे थे भैया ये तो साक्षात का साक्षात ये वज्र है, हैं, और जितने जोगी थे वो देख रहे थे यही परतत्व है, कंस देख रहा था साक्षात काल है, जो मातृस्थानिया थी वो देख रही थी अभी तक तो इसका दूध दांत ही नहीं टूटा है, इसलिए जोगी देख रहे थे यही परतत्व है, इसलिए जिसकी अंदर में जैसे भावना थी ना वो कृष्ण को उसी अनुरूप देख रहे थे, इसलिए कहते कृष्ण ही ये रस स्वरूप है, कृष्ण आनंदमय ब्रह्म है, रस वैस रसम जवायाम लब्ध्वा आनंद भवति, रस स्वरूप कौन है, कृष्ण है जो अखिल रसामृत मूर्ति प्रसीमर रुचि कलित ललित, जिसमें रूपों को स्वामी कहते हैं कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति, सारे रस का जो मूर्तिमान स्वरूप होने श्री कृष्ण चंद्र, इसलिए भक्ति करना तो किसको भक्ति करनी चाहिए, कहते कृष्ण को ही भक्ति करनी चाहिए, ज्ञान कर्म योग मार्ग में हमें प्रवेश नहीं करनी चाहिए, इसलिए कहते भगवान कृपा करके साधकों के हृदय में भगवान प्रकट होते हैं, कोई अगर कोई बोले जोर जबरदस्ती हम भक्ति को हृदय में प्रकट कर देंगे भगवान नाम रूप गुण लीला को, बोले नहीं, बोले अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राज्येन्द्रियैः सेवन मुखै जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत, इसका मतलब है अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राज्येन्द्रियैः, भगवान के जो नाम है हमारी जड़ इंद्रियों को द्वारा हम उसको अनुभूति नहीं कर सकते हैं, न भवेत ग्राह कैसे प्रकट होगा, बोले सेवन मुख ही जिह्वादौ, जब हमारे हृदय में भगवान के प्रति सेवन मुखी वृत्ति होगा, मतलब सेवा करने की जब भावना होगी तब भगवान कृपा करें क्या करेंगे उसके हृदय में ठाकुर जी प्रकट होते हैं, इसलिए उपनिषद कहता है न अयम आत्मा प्रवचन, आत्म तत्व को प्रवचन को द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हो, न बहुना श्रुते न ज्यादा सुन करके भी प्राप्त नहीं कर सकते हो, है प्रवचन न बहुना श्रुते न परे बोले जमे वैसे वृणुत तेन लगता, भगवान अगर किसको कृपा करके जानाते हैं किसको वर्ण करते हैं फिर तो वही उनको जान सकते, बोले कैसे भगवान वर्ण करेंगे, बोले जब तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति सेवा की वृत्ति जगेगी, भगवान के प्रति गुरु वैष्णव के प्रति जब सेवा की वृत्ति जगेगी ना फिर भगवान उसके हृदय में सारे तत्व ज्ञान को पूर्ण कराते हैं, केवल सेवा वृत्ति और कुछ नहीं, इसलिए भगवान कहते हैं वस्य कुर्वन्ति मां भक्त्या सत पत्नी सत पतिं जगा, जैसे एक पतिव्रता नारी
पति की सेवा करते 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 उसको बसीभूत कर देते, बसीभूत कर देते। जैसे पति पैसा कमाते हैं, सारे पैसा ला कर किसको देते हैं, पत्नी को दे देती है। अब किसको देते हो पैसा, पत्नी को देते हैं। मेरे पास वो रहता ही नहीं पत्नी को देते हैं, कहाँ जाता है। और अगर पत्नी से पैसा को भी मांगे ना किसी खर्चा के लिए, फिर पत्नी को हजार जवाब देना पड़ेगा, इतने पैसा क्यों मांग रहे हो, क्या करोगे पैसा, क्यों, क्या किस लिए मांग रहे हो। वो इसलिए होता है ना, वन वे होता है रास्ता, वहाँ पे टू वे नहीं होता। इसलिए बोले कारण क्या, बोले कारण है कि पत्नी है, वो पति को सेवा करती है, क्यों दे देती है, कारण क्या। वो पति को पता है यही हमारी सेवा करेगी, हमें तो पता नहीं क्या खाना क्या रहना क्या पहनना, यही हमारी सेवा करती है, विश्वास, तभी तो पैसा दे देती है ना। बोले लो तेरे जैसे इच्छा वैसे घर संसार को चलाओ। बोले क्यों, बोले केवल सेवा, वो सेवा करते करते इतने बसीभूत कर देते हैं बस। कहते भगवान के उसी तरह भक्त मेरी सेवा करते 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 मेरे को वो प्रेम से बसीभूत कर देता है मेरे भक्त मेरे को। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, इसीलिए भगवान सेवा से संतुष्ट होते हैं। हाँ, केवल सेवा से ही भगवान संतुष्ट होते हैं। इसलिए हम निष्कपट होकर के भगवान की सेवा करेंगे तो ठाकुर जी कृपा करके अपना तत्व ज्ञान को सब कुछ हमारे हृदय में पूर्ण कराएंगे। इसलिए कृष्ण सुदामा, इसलिए उन्होंने जब गुरु जी की सेवा की, वास गुरुदेव संतुष्ट हो गए, दोनों के सर पर हाथ रख दिए, बोले जाओ तुम्हारे हृदय में सारे तत्व ज्ञान, सारे तत्व ज्ञान तुम्हारे हृदय में स्फूर्ति प्राप्त हो जाए। इसलिए यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, केवल भगवान भक्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं, और जो भक्ति क्या है, कभी भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति किसको पर निर्भर नहीं करता है, किसको पर निर्भर नहीं करता है भक्ति, ये करने पर ही तब ये चीज होगी। भक्ति स्वतंत्रता है, सर्वतंत्र स्वतंत्रता भक्ति है, और भक्ति के द्वारा भगवान वशीभूत होते हैं, और भक्ति ही भगवान तक ले जाता है, और भक्ति का ही सर्वश्रेष्ठत्व है। बोले श्री भक्ति महारानी की जय। इसलिए बताए सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई गठन को मेवा जागे साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए भगवान बोले जगत में जितने बंधन हैं, सर्वश्रेष्ठ बंधन भगवान की भक्ति का बंधन है। भक्ति में जैसे प्रभु प्रसिद्ध होकर के बोले सबर के झूठा बेर खाए बहुविध स्वाद होता है। बोले तुम्हारी बेर में जितने स्वाद है, इतना स्वाद कहीं तरह को मिले नहीं मिलता। इसलिए भगवान प्रेम में बसीभूत होकर के रास यज्ञ में भगवान स्वयं अपना हाथों से झूठे पतल को भगवान उठाए। प्रेम में भगवान बसीभूत होकर के दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घरे खाई। भगवान विदुर घर में जाकर के साग भाजी भगवान खाते हैं। इसलिए कहते जो भक्ति है यही सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति है सर्व सर्वतंत्र स्वतंत्र भक्ति है, और भक्ति को द्वारा ही भगवत प्राप्ति होते हैं, और किसी को द्वारा भगवान हमें नहीं मिलते। ठीक है, वंशा गुल कृपा सिंधु भय वच नम भो नम नम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।